हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 12th, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका सिलेबस क्या रहेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, पिछली बार भी बोर्ड क्लासेस का सिलेबस चेंज हुआ था ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, तो इस बार भी सिलेबस को क्या किया गया है, थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है। चलिए इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि बायोलॉजी के लिए क्या सिलेबस रहेगा इस साल जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th क्लास का। तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, या यूँ कहें ये सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप सही तरीके से और सही सिलेबस को जान के करें, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहे। चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। आपके जो टोटल, अगर नंबर ऑफ चैप्टर की बात करें तो टोटल चैप्टर हैं आपके 16, ठीक है, जिसमें से आपके कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर को भी रिमूव कर दिया गया है। तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं जो रहे हैं उनको क्या किया गया है, दो टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। टर्म फर्स्ट जो है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स को रखा गया है, उसमें आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट को रखा गया है, जैसे कि रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स और एवोल्यूशन। सिर्फ दो ही यूनिट आपके टर्म फर्स्ट में आएंगे। जो फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसके अंदर चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ आएगा। एंड जो सेकंड, यानी कि वैसे तो यूनिट अगर हम 11th क्लास के प्रस्पेक्टिव से याद करें तो ये हमारे 6th और 7th यूनिट है, लेकिन 12th क्लास के प्रस्पेक्टिव देखोगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट लगेगी। तो मैं बात कर रही हूँ 6th यूनिट यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। और 6 और 7 दो ही यूनिट आपकी टर्म फर्स्ट में रखी जाएगी, और 7th यूनिट के अंदर चैप्टर 5th और 6th रहेगा। 7th चैप्टर हटा दिया गया है, इसमें से फर्स्ट चैप्टर को हटा दिया, नहीं आएगा। और 7th जो यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसके अंदर 7th चैप्टर को भी रिमूव कर दिया गया है। फिर जो आपके बाकी के चैप्टर हैं उनको सेकेंड टर्म के लिए रखा गया है। आपकी यूनिट नंबर 8th, 9th एंड 10th, ये तीन यूनिट जो है वो आपकी टर्म सेकंड में आएगी। जो 8th यूनिट है उसके अंदर चैप्टर 8th और 10th आएगा, यानी कि 9th चैप्टर हटा दिया गया है। जो आपकी 9th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इज कंप्लीट, दो ही चैप्टर थे और दोनों के दोनों आ रहे हैं। जो 10th यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, उसके अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर्स थे, जिनके अंदर दो चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं। एक तो चैप्टर नंबर 14 हटा दिया गया है और एक चैप्टर नंबर 16 हटा दिया गया है। तो इन शॉर्ट आपके जो ये टोटल 16 चैप्टर हैं उनमें से आपके 5 चैप्टर जो है रिमूव कर दिए गए हैं। ओवरऑल आपका अब यार इस साल जो बोर्ड बायोलॉजी का सिलेबस रहेगा वो जो 11 चैप्टर से ही रहेगा। 11th में से जो है 5 चैप्टर आपके टर्म फर्स्ट में आएंगे, बाकी के जो 6 चैप्टर है वो टर्म 2 में आएंगे। तो टर्म फर्स्ट के अंदर जो आपकी 6 यूनिट है रिप्रोडक्शन के अंदर, इसका पहला चैप्टर जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। सेकंड चैप्टर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, जिसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स देखने हैं कि किस तरीके से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट पॉलिनेशन और इनके जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कशन करनी है। तो जो चीज़ें सारी आपको पढ़नी है वो ये पीडीएफ जो है वो एनसीईआरटी की साइट पे अवेलेबल है। सेकेंड आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना है, और इसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन के अंदर होती है, गैमेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है, मेनस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर करनी होती है। और फोर्थ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी आपका फर्स्ट टर्म के अंदर पूछा जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट टर्म में आपके दो जेनेटिक्स से रिलेटेड, एक तो मेंडेलियन जेनेटिक्स बोल सकते हो, जिसके अंदर आप फिफ्थ चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पढ़ते हो, एंड सेकंड चैप्टर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो यूनिट जो है आपके टर्म फर्स्ट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको टर्म फर्स्ट के लिए हैं। टर्म सेकंड के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो टर्म सेकंड के अंदर आपके चैप्टर नंबर 8 आ रहा है, जिसके अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। चैप्टर नंबर 10th माइक्रोब एंड ह्यूमन वेलफेयर है, इसमें 9th चैप्टर को हटा दिया गया है, वो नहीं है आपके।
सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है बायोटेक्नोलॉजी। इसके दो चैप्टर थे, दोनों के दोनों चैप्टर हैं, एक भी चैप्टर नहीं रिमूव हुआ है। और जो हमारी लास्ट यूनिट है 10th इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इसमें टोटल 4 चैप्टर होते हैं, जिसमें 14 चैप्टर और 16 चैप्टर, इन दोनों को रिमूव कर दिया है। आपको सिर्फ दो ही चैप्टर पढ़ने हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, तो बच्चों ये इतने सिलेबस को ही आपको पढ़ना है, वो भी दो अलग अलग पार्ट में, क्योंकि जो पेपर है वो एज अ सेमेस्टर सिस्टम की तरह रखा गया है। टर्म फर्स्ट का पेपर अलग रहेगा, टर्म सेकंड का पेपर अलग रहेगा। अब क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में कि टर्म फर्स्ट कब और कहाँ होगी, यानी कि स्कूल में होगी, यानी कि सेंटर में होगी, या ऑनलाइन रहेगी, या टर्म सेकंड है वो कब और कैसे कहाँ होगी। इन सारे क्वेश्चंस के अगर आपको आंसर जानना है तो आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड जो है वो कैसे एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे और किस तरीके से उनके बेसिस पे 12th का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। सो हम इसी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग। थैंक यू।